हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं योनो SBI से पैसा कैसे ट्रांसफ़र करेंगे किसी भी बैंक अकाउंट में। कोई यहाँ पे आपको कोई भी बैंक का अकाउंट हो, किस तरह से आपको इसमें ट्रांसफ़र करना है योनो SBI से। तो चलिए, तो इस वीडियो में आपको सारा डिटेल जानकारी आपको बताने वाले हैं किस तरह से आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। योनो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, उसके बाद यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन करके रखा हूँ, सारा कुछ मेरा हो चुका है। यहाँ पे मैं अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड से। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा लॉगिन हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे अकाउंट, डिपॉजिट, लोन, इन्वेस्टमेंट और कार्ड, यहाँ पे योनो पे और योनो कैश। तो आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आपको पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए योनो पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्यूब ट्रांसफ़र, अकाउंट बैंक अकाउंट, यहाँ पे योनो कैश, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आपको क्या करना है, पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे बैंक अकाउंट से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ पे क्यूब ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको, अगर आपका स्टेट बैंक का ऑफ इंडिया का अकाउंट है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई अदर बैंक है तो अदर बैंक वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी मोबाइल नंबर पे भेजना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर वाले पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे किसी अदर बैंक में सेंड करना चाहता हूँ तो अदर वाले पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट बैलेंस शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम डालना है और यहाँ पे अकाउंट नंबर और यहाँ पे री अकाउंट नंबर, यहाँ पे IFSC कोड इंटर करना है, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे अमाउंट इंटर करना है, उसके बाद सिलेक्ट पर्पस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सारा इंटर कर लेते हैं, सारा डिटेल्स यहाँ पे इंटर कर लेना, अपना नाम, अकाउंट नंबर, री अकाउंट नंबर रिपीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जितना अमाउंट आपको सेंड करना है, नहीं भेजना है, ट्रांसफ़र करना है, उतना आपको अमाउंट डालना है और यहाँ पे आपको अपना निक नेम इंटर कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका अकाउंट नंबर और आपका बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर पे वाले ऑप्शन, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको पर्पस सेलेक्ट करना है, क्या पैसा किस लिए भेज रहे हो, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अदर में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क देना है, रिमार्क आपको डाल देना है। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे अपना अमाउंट इंटर करना है, जितना ट्रांसफ़र करना है से आपको अमाउंट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर आपको पे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको लिमिट है कि आप 25,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं इस योनो एप्लीकेशन से। उसके बाद यहाँ पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना, इस बॉक्स में टिक लगाना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और आपका जो भी बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। OTP यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद चलिए मैं, अगर आपको ऑटोमेटिक नहीं होता तो यहाँ से आप डाल भी सकते हैं OTP को। चलिए मैं OTP इंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे जितना भी अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया है यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे नीचे आपका जो जिस अकाउंट से आपने ट्रांसफ़र किया वो अकाउंट शो होगा और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं होम पेज पे आप आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से तो इसी तरह से आप भी अपने योनो SBI एप्लीकेशन से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से आपको ट्रांसफ़र करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सुनील कुमार के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।